हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जो आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से बदल सकती है और हमारा सुपर हीरो बनने का सपना भी पूरा कर सकती है। आज हम लोग क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पर क्रिस्पर के बारे में जानने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे डीएनए, जीन और जीन एक्सप्रेशन। तो इस पे हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लेइक एसिड। ये हमारी बॉडी का सोर्स कोड होता है। इसी से हमारी सेल्स को पता चलता है कि हमारी बॉडी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। डीएनए बना होता है चार बेस पेयर से, जो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर अप होता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। इन्हीं बेस पेयर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोगों को अलग अलग लोगों का डीएनए मिलता है। अब बात करते हैं कि जीन क्या होता है। जीन बेसिकली डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है जिसमें हमारे बॉडी के एक एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्किन कलर, आई कलर, हाइट एट्सेट्रा। एक एस्पेक्ट को एक से ज़्यादा जीन्स मिलकर भी गवर्न कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी डीएनए में से जीन्स को रीड कैसे करती है। हमारी पूरी बॉडी बनी होती है प्रोटीन से, और जो जीन्स होते हैं वो इन्हीं प्रोटीन का ब्लूप्रिंट होते हैं। जीन से प्रोटीन तक का सफ़र काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पर इसमें दो मेन स्टेप्स होते हैं, जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सबसे पहले डीएनए की इंफॉर्मेशन एक दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है, जिसको कहते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लेइक एसिड। आरएनए भी डीएनए की तरह ही होता है, बस इसमें थाइमीन की जगह एक दूसरा बेस पेयर होता है जिसका नाम है यूरासिल। डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए जाता है राइबोसोम्स में, जहाँ पे इस आरएनए को रीड किया जाता है और उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, और ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, और इन्हीं प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर डीएनए सीक्वेंसेस की एक फैमिली है जो बैक्टीरियाज में पाई जाती है। बैक्टीरियोफेजेस, जो एक तरह के वायरस होते हैं, वो जब बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया उनके डीएनए का एक छोटा सा सेक्शन काट के अपने पास रख लेती है, जिससे अगर फ्यूचर में कोई दूसरा बैक्टीरियोफेज उन पर अटैक करे तो बैक्टीरियाज को तुरंत पता चल जाए और वो उससे बच पाए। बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए काटने के लिए बैक्टीरियाज जिन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करती हैं उनका नाम है कैस9 या क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। कैस9 मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह होता है, जिसको अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस दिया जाए तो वो किसी भी डीएनए में जाके उस सीक्वेंस को ढूंढ निकालेगा और काट देगा। इसी कैस9 का यूज़ करके हम लोग जीन एडिटिंग कर सकते हैं। क्रिस्पर की डिस्कवरी सबसे पहले 1987 में इकोलाई बैक्टीरिया में हुई थी, और इसको डिस्कवर जैपनीज साइंटिस्ट योशीजुमी इशिनो ने किया था, पर सफिशियंट डेटा ना होने की वजह से या इसका पता नहीं लगा पाए थे कि क्रिस्पर का यूज़ क्या है। 1993 में जेडी वैन एमडेन ने इसी सीक्वेंस को बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में पाया, जिससे ट्यूबरकुलोसिस डिसीज होती है, और फिर इसी सीक्वेंस को कई और बैक्टीरियाज में भी डिस्कवर किया गया। रिसर्चर्स फ्रांसिस्को मोजिका और रूड यैनसन ने इन सीक्वेंसेस को नाम दिया क्रिस्पर। अर्ली 2000 में मोजिका और उनके को वर्कर्स ने इसका पता लगाया कि क्रिस्पर्स का काम क्या होता है। 2012 में जॉर्ज चर्च, जेनिफर डोडना, इमैनुएल शार्पेंटियर और फेंग जांग ने मिलके ये डिस्कवर किया कि क्रिस्पर कैस9 का यूज़ करके हम लोग किसी भी डीएनए सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं। क्रिस्पर कैस9 को हम लोग कट एंड पेस्ट टूल की तरह यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए एडिट कर सकते हैं, जिससे उस ऑर्गेनिज्म में कई चेंजेस आएंगे। 2020 में इमैनुएल शार्पेंटिये और जेनिफर डोडना को इसी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी मिला। क्रिस्पर कैस9 का यूज़ करके हम लोग ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं जो कम पानी में भी सर्वाइव कर पाएँ, या जो पेस्ट और दूसरी डिसीजेस से इम्यून हो, या फिर जो कम फर्टिलाइजर में भी ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करें। क्रिस्पर का यूज़ करके हम लोग वर्ल्ड हंगर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। क्रिस्पर का यूज़ करके हम लोग ह्यूमंस में कई डिसीजेस, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, यहाँ तक कि कैंसर को भी पूरी तरह से मिटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस्पर के ह्यूमंस पे यूज़ की बात शुरू होती है,
वैसे ही कई एथिकल प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। सपोज कि एक पेरेंट्स को पता चलता है कि उसके होने वाले बच्चे की आईसाइट कमज़ोर होगी, तो वो क्रिस्पर का यूज़ करके अपने बच्चे की आईसाइट को ठीक करवा लेते हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि हम यहीं पर क्यों रुकें, हम अपने बच्चे की आईसाइट और अच्छी कर देते हैं, उसकी बोन डेंसिटी, मसल स्ट्रेंथ, हाइट, हर चीज़ को एनहेंस कर देते हैं। फिर जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसकी हर चीज़ उसके पीयर से ज़्यादा अच्छी होगी और वो हमेशा अपने पीयर से आगे रहेगा। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एनहेंस होगी, वैसे वैसे हर पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका बच्चा कैप्टन अमेरिका जैसे स्ट्रांग हो और उसके पास सुपर इंटेलिजेंस भी हो, लेकिन ऐसा सिर्फ वही पेरेंट्स करवा पाएंगे जो अमीर होंगे। उन पेरेंट्स का क्या जिनके पास क्रिस्पर कैस नाइन का यूज़ करने के पैसे नहीं हैं? उनके बच्चों की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, हर चीज़ नॉर्मल होगी, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चों के साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे? इससे सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा, इसमें एक तरफ होंगे जेनेटिकली एनहेंस्ड लोग और दूसरी तरफ होंगे नॉर्मल लोग। जेनेटिकली एनहेंस्ड लोग अपने आप को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सुपीरियर समझेंगे और वो उन पर राज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। You are deluded, Captain. You pretend to be a simple soldier, but in reality, you are just afraid to admit that we have left humanity behind. या फिर अगर ये टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथ में लग गई तो उनको जेनेटिकली एनहेंस सुपर सोल्जर्स बनाने से कौन रोक सकता है? तो क्रिस्पर से डिसीज प्रिवेंशन करना तो ठीक है, लेकिन एनहेंसमेंट्स का क्या? कौन कौन से एनहेंसमेंट्स करना एथिकल है और कौन कौन से नहीं, इस पर तो डिबेट चलती ही रहेगी और गवर्नमेंट को सख्त कानून लाना पड़ेगा जिससे सोसाइटी में कोई भी डिवाइड क्रिएट ना हो और सब पीसफुली रह पाएं। क्रिस्पर कैस नाइन हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देगा। अब ये अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।